यह हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का सेकेंड पार्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट मानती है कि जो बिजनेस इकाई है, बिजनेस यूनिट है, वह चलता रहेगा, वो ऑपरेट करते रहेगा इनडेफिनेटली, और उसका परिसमापन निकट भविष्य में नहीं होगा। मतलब वो लिक्विडेटेड नहीं होगा फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब निकट भविष्य में वह नहीं बंद होगा। इसी कॉन्सेप्ट के कारण हमारे जो एसेट्स हैं, जो बिजनेस के एसेट्स हैं, वो हम शो करते हैं कॉस्ट प्राइस पर बैलेंस शीट में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर एसेट्स को इसी कॉन्सेप्ट के कारण शो किया जाता है। और अगर यह कॉन्सेप्ट बिजनेस नहीं माने, मतलब अगर बिजनेस यूनिट को यह लगे कि वह जल्दी ही बंद हो जाएगी, तो उस केस में एसेट्स को शो किया जाएगा रियलाइजेबल वैल्यू पर, मतलब कितना हम रियलाइज़ कर सकते हैं एसेट्स को बेचकर। तो जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर बिजनेस यूनिट चलती है। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे पीरियड ऑफ टाइम के एंड पर, मतलब एक पर्टिकुलर अवधि के अंत में हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वित्तीय विवरण बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, इसमें दो चीज़ें बनती हैं। एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, मतलब इससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और दूसरा हमारा बनता है जो बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट से हम क्या समझते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, मतलब क्या बैलेंस रहा है, पोजीशन रहा है एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का पीरियड के एंड में। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एसेट्स को हमें रिकॉर्ड करना है उनके परचेस प्राइस पर, मतलब लागत मूल्य पर, जिसमें सारे खर्चे आते हैं जब तक एसेट्स रेडी टू यूज पोजीशन में ना आ जाए। मतलब जब तक एसेट्स को हम काम में लाने योग्य ना बना दें, तब तक उन पर जो खर्चे होते हैं वो एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होते जाएंगे। तो परचेस प्राइस क्या होता है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, कि परचेस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने खर्चे हमने किए हैं उसको प्राप्त करने पर। ठीक है, दुकान से अगर हम कोई सामान लिए हैं या कहीं और से लिए हैं, एसेट लिए हैं, तो उस एसेट का हम कितना मूल्य चुकाए हैं, तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का जो खर्चा लगा हमें। फिर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन स्थापना में जो हमें खर्चा लग गया, इसके अलावा जितने भी अदर कॉस्ट हैं जो कि हमें क्या लग गए, एसेट को रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए, मतलब काम के योग्य बनाने के लिए जो हमने खर्चे किए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। थैंक यू।